वैसे तो सारनाथ की अगर मैं बात करूँ तो सारनाथ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है, लेकिन सारनाथ में बौद्ध मंदिर के अलावा भी यहाँ पे आप लोग बनारस में आए, बनारस जो काशी विश्वनाथ मंदिर है शंकर भगवान गंगा जी के पास, वहाँ से 10 तो अभी जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे, ये भीड़ जो है ये सारनाथ में लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं पाथ फाइंडर अनिल। अभी मैं हूँ वाराणसी के सारनाथ में, जो कि बौद्ध धर्म का तीसरा जो है फेमस प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्या क्या घूमने लायक चीज़ें हो सकती है, कैसे कितना खर्च लगने वाला है, कहाँ रुकने की चीज़ें हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए घूमते हैं सारनाथ। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सारनाथ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारनाथ टेंपल। तो ये सारनाथ का मेन टेंपल है जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, और वाराणसी स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर जब आप आते हैं सारनाथ तो आपको ये मंदिर देखने के लिए मिलता है। अभी मैं जो पढ़ के आया हूँ वो तो पढ़ के आया हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ एक भाई है, मैंने ये टूरिस्ट का काम करते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं। तो भाई से ही जानकारी लेते हैं क्या है इसका थोड़ा सा हिस्ट्री, और थोड़ा सा हम जितना चाहेंगे जो कि आप कम समय में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दें इसके बारे में, लोग यहाँ क्यों आते हैं, क्यों फेमस है जगह। ठीक है, चलिए संजय भाई आप स्टार्ट करिए। देखिए, आप लोग बनारस में आए, बनारस जो काशी विश्वनाथ मंदिर है शंकर भगवान गंगा जी के पास, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक जगह पड़ता है सारनाथ, जो शॉर्टकट में सारनाथ बोला जाता है। इसका नाम है सारंगनाथ। ओके, जो आज सारंगनाथ के नाम से जाना जाता है, आज से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले यहाँ का नाम था ऋषि पतन मृगदा जंगल। यहाँ कुछ भी नहीं था, ऋषि मुनियों का गढ़ था केवल। ये वही सारंगनाथ है जहाँ भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों को धर्म चक्र परिवर्तन का प्रथम उपदेश दिए थे। ये घूमने के लिए तो ऐसे तो बोले टूरिस्ट स्थल कहा गया है, लेकिन ये बुद्ध जन का तीर्थ स्थल माना गया है। तीर्थ स्थल बहुत सारा है जिसमें 4 प्रमुख माना गया है। पहला है कपिलवस्तु लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। दूसरा है बोधगया बिहार, जहाँ निरंजन नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा है सारनाथ, यही उन्होंने 5 शिष्यों को धर्म चक्र परिवर्तन का प्रथम उपदेश दिए थे। और चौथा है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ 483 ईसा पूर्व में वो शरीर से मुक्ति पाते आत्म परिनिर्वाण कर लिए। ये चारों जगहों में महत्वपूर्ण मेन जो माना गया है सारनाथ को माना गया है, क्योंकि यहीं से देश और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। बौद्ध धर्म होता क्या है, वो इसी जगह से प्रचार हुआ है इसका। तो यहाँ पर देखिए आप लोग आ चुके हैं सारनाथ। सारनाथ का ये मेन टेंपल है जिसका नाम है मूल गंद कुटी बिहार। मूल मतलब जगह होता है, कुटी मतलब झोपड़ी होता है, गंद मतलब यहाँ की खुशबू, बिहार मतलब आसपास का एरिया, मूल गंद कुटी बिहार। ठीक है, चलिए। इसको बनाने वाले श्रीलंका के फाउंडर अनागारिका धर्मपाला जी थे, 1931 में मंदिर को बनाए थे, वो भी डोनेशन किया हुआ पैसा से बना हुआ है। ठीक है, आप लोग अंदर एंट्री करेंगे गेट के ही लेफ्ट साइड में मारो पे लिखा हुआ है, जो जितना पैसा दे उसका नाम और पैसा लिखा हुआ है। अच्छा। और अंदर देखेंगे भगवान बुद्ध का लाइव पेंटिंग बनाया गया, आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसका। दोनों साइड में दीवार पे भगवान बुद्ध के जीवनी के बारे में लाइव पेंटिंग बनाया गया है, और सामने आप देखेंगे गोल्डन का स्टैच्यू, जो गोल्डन इसे गोल्डन पॉलिश किया गया है। स्टैच्यू को पॉलिश करने के लिए, दीवार पेंटिंग बनाने के लिए समय 4 साल का लगा था, जो कि जापानी कलाकार थे, जिसका नाम था नोसो और कोसो। ठीक है, स्टैचू के पीछे देखेंगे 2 फीट अंडरग्राउंड जो आपको नहीं दिखाई देगा, उसमें सिल्वर कलर की पेटी में भगवान बुद्ध का अस्थि रखा हुआ है, जो एक साल में केवल एक बार निकाला जाता है। अस्थि के रूप में, अवशेष के रूप में एक दांत है भगवान बुद्ध का, जो एक साल में एक बार निकाला जाता है नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उसी दिन क्यों निकाला जाता है, क्योंकि 11 नवंबर 1931 को मंदिर का ओपनिंग था। उसके पहले एक तक्षशिला पाकिस्तान से खुदाई में निकला था, वहाँ से कलकत्ता संग्रहालय में लिया कर रखा हुआ था। ब्रिटिश लोग के, बुद्धिस्ट लोग के रिक्वेस्ट करने के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने इनको दिया था 11 नवंबर 1931 का मंदिर को ओपनिंग था, इसके लिए हर वर्ष उसी दिन को निकालते हैं और बुद्धिस्ट लोग को अस्थि दर्शन कराते हैं। ठीक है, ठीक है।
सारनाथ टेम्पल से अभी निकलने के बाद उसी कैंपस में हूँ और एक मेरे पीछे जो है एक खूबसूरत सा आपको मंदिर दिख रहा होगा, क्या है संजय भाई आप थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको भी कर दीजिए। जो आप देख रहे हैं ये वही बोधि ब्रिज का तीसरा ब्रांच है, जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भगवान बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में, उसका तीसरा ब्रांच ला के यहाँ पर लगाया गया। दूसरा जो श्रीलंका में गाँव पड़ता है अनुराधापुरा, वहाँ पर लगाया गया था। वहाँ पर लगाया कौन था, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपने बेटी और बेटा को भेजा था जिसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। उन्होंने गया से एक ब्रांच जाकर वहाँ लगाया था और वहाँ से देवमित्रा अनागारिका धर्मपाल जी द्वारा जो मंदिर को विजिट किया था वहाँ इन्होंने यहाँ पर ला करके लगाया 1932 में। ठीक है, तो जो ओरिजिनल है बोधगया बिहार में, सेकेंड श्रीलंका में, थर्ड ब्रांच आपका देखिए यहाँ पर है। और वो जो नच रहा है उसको धर्म चक्र परिवर्तन का प्रेयर वेल बोलते हैं, उसको राइट हैंड से घुमाते हुए ओम माने पद्मे ओम का मंत्र बोलते हैं, उसको एक राउंड करते हैं, बुद्धिस्ट लोग मेडिटेशन के लिए होता है। और ये जो आप देख रहे हैं पांचों शिष्यों को मॉडल बनाया गया है, वो सिर्फ काल्पनिक तौर पर टूरिस्ट लोग को समझने के लिए एक कल्पना किया गया था 1988 में बर्मा कंट्री के लोगों द्वारा, रियली उपदेश इस जगह पर नहीं दिए थे, इसके उस पार जो स्तूप है जिसको धमेक स्तूप के नाम से जाना जाता है उस जगह पर दिए थे, जो सम्राट अशोक द्वारा वहाँ पर स्तूप के रूप में बना दिया गया, वहाँ चलते वहाँ बताएंगे, यहाँ का सुनने के लिए यही है जो बनवाए थे। ठीक है, आइए तो घंटा देख रहे हैं जो आप, बहुत बड़ा घंटा है, बनारस का सबसे बड़ा घंटा है। अच्छा, ये अष्ट धातु का मिलकर बना हुआ है, इसको जर्मन की लेडी यानी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का 2005 में डोनेशन की थी, इसका वजन है 2 टन 5 kg। तो अभी हम लोग इस कैंपस में आ चुके हैं और आपको ये जो बोधि ट्री है ये दिखाते हैं, और थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो घंटा आपको पीछे दिख रहा होगा ये सबसे बनारस का सबसे बड़ा घंटा जैसा भैया ने बोला है, तो चलिए देखते हैं। और ये जो नच रही है इसको भैया आपने क्या बोला था, धर्म चक्र परिवर्तन का प्रेयर बेल, इसको राइट हैंड से मैं चाहता हूं, धर्म चक्र परिवर्तन का प्रेयर बेल है और इसे जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो इसको राइट हैंड से आप स्क्रॉल करते हुए आगे चलते हैं। जो आप देख रहे हैं 1988 में कल्पना किया गया था, ये पांचों शिष्यों का नाम है जिसको प्रथम उपदेश दिए थे, असजिया, भद्दिया, वप्पा, कौंडिन्या, महानामा, ये पांचों शिष्यों का नाम जो यहीं से अलग अलग देशों में जाकर के प्रचार किए। सारनाथ टेम्पल से दर्शन करने के बाद जब आप निकलते हैं तो आपको एक गार्डन भी यहाँ पे दिखता है जहाँ पे काफ़ी बच्चे लोग जो हैं पिकनिक वगैरह के लिए, स्कूली बच्चे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और जब आप सारनाथ में दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आप निकल करके यहाँ पे बैठने के लिए एंजॉय वगैरह कर सकते हैं, बैठने के लिए सारी जगह है। तो अभी वहाँ से निकलने के बाद जस्ट हम पहुँचे हैं अभी धमेक स्तूप, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसके जाने का रास्ता जो है वो सामने से है जहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन इस कैंपस से अगर आके पीछे से अगर देखना चाहते हैं तो आप इसके पीछे से देख सकते हैं। संजय भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो कि ये जगह क्यों फेमस है और क्या क्या चीज़ें हुई थी यहाँ पे। देखिए ये जगह वही चीज़ है जो आप उधर देख के आए, पांच स्टूडेंट को सैपलिंग बनाया गया था जो बर्मा कंट्री को था, रियली उपदेश इस जगह बैठा कर दिए थे भगवान बुद्ध अपने पांच अनुयायियों को, साधुओं को। तो जो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, 261 और 262 ईसापुर में कलिंग युद्ध हुआ था, तो उसमें करीबन 1 लाख मारे गए थे, 1.5 लाख पाबंदी बना लिए गए थे। तो उसको देखते हुए अशोक सम्राट जी का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चले, उनके रास्ते पर उनके धर्म को अपनाया, तो उनके धर्म को यादगार बनाने के लिए जिस जगह पर वो उपदेश दिए थे उस जगह सॉलिड स्तूप के रूप में निर्माण करवा दिए ताकि कोई वेस्टेज चीज़ वहाँ पर न पड़ सके। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन का स्तूप बोला जाता है, इसका रियली नाम है धमेक स्तूप और इसको 3 नामों से जाना जाता है। बुद्धिस्ट लोग होते हैं इसको धमेक स्तूप बोलते हैं, सनातन धर्म के लोग उसे शिवलिंग का आकार मानते हैं, और जो वो तिब्बत के लोग होते हैं, तिब्बती लोग उसको गुम्बा बोलते हैं। ओके,
ठीक है, इसको धम्मिक स्तूप बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पर जब आप फाइनली दर्शन करते हैं वहाँ पे, तो दर्शन करने के बाद आप जो है इस स्तूप को भी देखने आते हैं, क्योंकि जो जैसा इन्होंने बताया इसका क्या रीजन है कि बुद्ध जन्म भी एक ही धर्म को दो तीन प्रकार से मानते हैं। तीन यान होते हैं, महायान होते हैं, एक वज्रयान होते हैं। वज्रयान के लोग तंत्र विद्या ये सब में माला जाप में सब में महत्व रखते हैं, और हीनयान के लोग इसका परिक्रमा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और महायान के लोग जो होते हैं इसकी आराधना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। अच्छा, तो आप सारनाथ जब भी प्लान करते हैं तो ये या तो आप इस मंदिर के पीछे से ही आकर के आप देख सकते हैं, नहीं तो आप सामने से भी जा करके, टिकट चार्ज वगैरह कुछ लगता है तो ऑनलाइन टिकट लगता है, स्कैन करके 20 रुपये स्कैनर लगा हुआ है। और क्या प्राइस होगा टिकट का? 20 रुपीज़ जो है टिकट है, स्वयं अपने से स्कैन करके ऑनलाइन अंदर करेंगे। ओके, और आप देख सकते हैं आकर के। तो चलिए फाइनली अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से अभी हम लोग कौन प्लेस पे जा रहे हैं? अभी चलेंगे हम लोग चाइनीज़ टेम्पल। अभी हम लोग चल रहे हैं चाइनीज़ टेम्पल, फिर वहाँ पे आपको वहाँ का दिखाते हैं जो कि क्या कैसे बनाया गया है, उसको क्या इतिहास है सब कुछ। सारनाथ टेम्पल के बाहर जैसे ही आप गेट पे निकलते हैं तो आपको यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ बाहर में देखने के लिए, काफ़ी कुछ अच्छा जो है यहाँ का लोकल मार्केट आपको दिख जाएगा। और खाने पीने के लिए अगर मैं बात करूँ तो खाने पीने के लिए भी आप, ये दो लेन बनी हुई है और दोनों लेन में आप देखेंगे जो कि काफ़ी कुछ अच्छा जो है यहाँ का लोकल फूड वगैरह जो है वो मिल जाएगा आपको खाने पीने के लिए। तो आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ की लोकल फूड को, लोकल जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा कुछ बैग बनाया हुआ है। और इस चौराहा पे आपको, अगर आप बनारसी साड़ी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो इस चौराहा पे जो है आपको काफ़ी कुछ शॉप वगैरह भी मिल जाएगा जहाँ से आप बनारसी साड़ी वगैरह भी ले सकते हैं। सारनाथ मंदिर से निकलने के बाद अभी आप जैसे ही चौराहा से थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको एक चाइनीज़ टेंपल करके जो है देखने के लिए मिलता है। काफ़ी कुछ अच्छा जो है इस मंदिर के प्रांगण में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक दोनों तरफ पेड़ पौधा वगैरह भी जो है लगाया हुआ है। संजय भाई, इस टेंपल का क्या इतिहास है और क्या मतलब कुछ ज़्यादा इतिहास है या मतलब लोग यहाँ सिर्फ इसको देखने आते हैं? नहीं देखिए, इसका कोई खास इतिहास नहीं है, लोग यहाँ केवल देखने आते हैं। इस टेम्पल का नाम है चाइना टेम्पल। इसको बनवाने वाले चाइना के चुंग सेट थे जो 1931 में मंदिर को बनाए थे। आप अंदर एंट्री करेंगे देखेंगे भगवान बुद्धा का स्टेचू बना हुआ और सामने लॉफिंग बुद्धा का बना है, क्योंकि चाइना के लोग लॉफिंग बुद्धा को ज़्यादा मानते हैं। लॉफिंग बुद्धा को ज़्यादा, सामने देखेंगे लॉफिंग बुद्धा का रखे हुए हैं और पीछे बुद्धा का स्टेचू रखे हुए हैं, जो आप जाएंगे देख करके अंदर से आएंगे। और इधर एक चीज़ आप इसको भी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, देख लीजिए है भारतीय स्तंभ जो है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क स्तंभ जो है, जो म्यूजियम में आप कैमरा वगैरह कुछ अलाउड लेकर नहीं जा सकते, तो इसको आप डाल सकते कि म्यूजियम में सारनाथ के खुदाई में अशोक स्तंभ जो निकला था वो म्यूजियम रखा हुआ, सेम टू कॉपी उसका यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये देखिए अशोक चक्र, इसके ऊपर जो चक्र था अशोक स्तंभ, चारों पर चक्र उस चक्र है, ठीक है, इसका बना के आप डाल सकते हैं। तो चलिए आपको अंदर दर्शन करवाते हैं और कैसा बना हुआ है वो सारा चीज़ दिखाते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं कपिल वस्तु लुम्बिनी का है, जहाँ उनका जन्म हुआ था 583 ईसा पूर्व में। ये दूसरा है जो बोधगया विहार, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सारनाथ का आप देख के आ रहे हैं धर्मचक्र स्तूप, धम्मिक स्तूप। ये खुशीनगर है गोरखपुर, जहाँ शरीर से मुक्ति पाए थे, अपना समाधि उनका करना है। ये बोधिसत्व है। चाइनीज़ टेम्पल से निकलने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सारनाथ चौराहा पे। सारनाथ चौराहा के जस्ट बगल में ही एक लक्षर साड़ी सेंटर करके एक शॉप है, जो कि हम अभी शॉप के अंदर और ये शॉप क्यों फेमस है और ये शॉप से आप शॉपिंग क्यों कर सकते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरे सामने जो है एक छोटी सी मशीन लगी हुई है जो कि आप देख सकते हैं, और ये बनारसी साड़ी जो है एग्जैक्टली जो है अभी भैया यहाँ पे बना रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे जो कि उधर से कपड़ा भी दिख रहा है। और कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, संजय भाई से हम बात करते हैं इसके बारे में, जो किस तरीके से जो है ये लोग साड़ी बनाते हैं। और आपको भीड़ भी देख सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत साड़ी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अंकल बताइएगा कि ये कैसे, क्या चीज़ का होता है ये? सिल्क का धागा है।
सिल्क का धागा है ये रेशम। अच्छा, और कितना टाइम लगता है ये साड़ी बनाने में? तीन चार दिन, पाँच दिन, जैसा डिजाइन। अच्छा, तो ये जो धागा यूज हो रहा है ये सिल्क का धागा यूज हो रहा है, और कम से कम एक साड़ी को बनाने में ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन लगता है जैसा अंकल बता रहे हैं, और 4 से 5 दिन में डिज़ाइन के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है जो कि ये कितना जो है आपको टाइम लगने वाला है, जैसा डिज़ाइन होगा वैसा टाइम भी लगता है। तो ये लाइव जो है बनारसी साड़ी मेकिंग प्रोसेस है, सारा सेटअप है ये, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा सेटअप है ये, काफ़ी पुराना भी लग रहा है। कितना पुराना होगा ये? 20 साल। ये एग्जैक्टली 20 साल पुराना जो है ये सेटअप है, और अभी यहाँ पे हमेशा ये साड़ी बनते रहता है कितना स्टार्ट रेंज क्या हो सकता है अगर कोई खरीदना चाहे तो? क्या रेंज हो सकता है, मतलब साड़ी का स्टार्टिंग प्राइस क्या हो सकता है? 1050। यहाँ पे जो साड़ी है आपको 1050 से स्टार्टिंग करके और 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार जैसा आपका बजट होगा आप साड़ी ले सकते हैं, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच अंकल। वैसे तो सारनाथ की अगर मैं बात करूँ तो सारनाथ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है, लेकिन सारनाथ में बौद्ध मंदिर के अलावा भी यहाँ पे हिंदू धर्म के लिए भी काफ़ी कुछ आस्था है। और अभी जो मैं पहुँच चुका हूँ ये सारंगनाथ महादेव मंदिर में पहुँच चुका हूँ, और ये जो मंदिर है ये सारंगनाथ महादेव मंदिर के नाम से जानी जाती है। और जब भी आप सारनाथ का अगर टूर करते हैं तो ये मंदिर आपके लिए एक टूरिस्ट पॉइंट हो सकता है, और आप यहाँ पे आकर के अंदर में जाकर के काफ़ी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी प्राचीन टाइप का ही लगेगा। तो आइए, यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, करने के लिए, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इस मंदिर के जस्ट पीछे में ही एक छोटा सा तालाब वगैरह है, और यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो पुष्पमाला वगैरह की दुकान जो है आपको मंदिर परिसर में ही दिख जाएगा, और आप यहाँ से पुष्पमाला लेकर के मंदिर के अंदर जाते हैं, देखते हैं, पूजा करते हैं, घूमते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे सरोवर के पास मैं आपको सरोवर की कहानी बताता हूँ और क्या क्या देख सकते हैं वो भी मैं आपको। सारंगनाथ मंदिर के जब आप कैंपस में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा तालाब जो है नीचे दिखता है, ये छोटा सा काफ़ी खूबसूरत सा एक तालाब है। अगर मैं इस तालाब की बात करूँ जो कि ये तालाब क्यों है यहाँ पे, तो ये तालाब के अंदर काफ़ी मछली वगैरह है। यहाँ पे आप जब सारंगनाथ महादेव टेम्पल में आते हैं तो ऊपर में आपको यहाँ पे मछली को डालने के लिए दाना वगैरह की एक दो दुकान मिल जाएगी जहाँ से आप दाना वगैरह डालते हैं, और आप देख सकते हैं जो कि कुछ लोग यहाँ पे जो है दाना डाल करके भी गए हुए हैं। तो जब भी आपका प्लान अगर सारनाथ का होता है तो एक बार ही आप इस प्लेस को विज़िट कर सकते हैं, और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर घूमने में क्योंकि काफ़ी कम दूर में फैला हुआ है ये मंदिर, और आप इजली जो है सारनाथ टेम्पल वगैरह जब भी आप जाते हैं तो उसी रास्ते में जो है आपको ये भी मंदिर पड़ेगा, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी का 5-6 प्लेस होता है यहाँ का, जो मेन है सारनाथ का मेन टेम्पल हो गया जो 1931 में बनाया गया है। ठीक, यहाँ पे बोधि ट्री है, बोधि ट्री का 3rd सैपलिंग है, मेन आपका बोधगया बिहार में है। यहाँ पे सारनाथ स्तूप है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी पहला उपदेश दिए हैं। एक बगल में है जैपनीज टेम्पल जो
जैसे गौतम बुद्ध जी का निर्माण हुआ था कुशीनगर गोरखपुर में, उसी आकार में यहाँ पर बनाया गया, चंदन का लकड़ी का बनाया गया। सारंगनाथ मंदिर से निकलने के बाद मैं पहुंचा हूं अभी जस्ट उसी के बगल में एक छोटा सा बौद्ध धर्म का टेंपल है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा ये जो टेंपल है, काफ़ी खूबसूरत सा टेंपल है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इंडो जापनीज बौद्धिस्ट टेंपल के नाम से ये जाना जाता है, जैसा गेट पे बोर्ड लगाया हुआ था एग्जैक्टली नाम जो है आप जैसे ही आते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, और काफ़ी खूबसूरत सा है। तो आप जब भी सारनाथ प्लान करते हैं तो ये टेम्पल भी आप आके घूम सकते हैं। अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। सारनाथ से निकलने के बाद जब आप थाई मंदिर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे एक 80 फीट जाइंट बुद्धा का स्टैचू भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप बोधगया वगैरह गए होंगे तो बोधगया में भी जो है ऐसा ही जो है स्टैचू जो है बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं जब भी आप सारनाथ में आएंगे। तो ये प्लेस भी आपका एक घूमने का टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, यानी कि काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पे वैसे तो, मैं अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन काफ़ी अच्छा पार्क वगैरह भी बनाया हुआ है यहाँ पे, तो आप आकर के घूम सकते हैं। सारनाथ में जब आप आते हैं तो यहाँ पे घूमने के लिए तो वैसे तो बहुत सारी मोनेस्ट्री है जहाँ पे आप घूमते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जब भी आप ये 80 फीट जाइंट बुद्धा देखने आते हैं तो जस्ट उसके बगल में ही आपको थाई टेंपल मिलता है। और ये थाई टेंपल आपको देखने में जो है काफ़ी कुछ अच्छा दिख सकता है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और अगर आप सारनाथ आते हैं और थाई टेंपल नहीं आते हैं तो आपका सारनाथ का यात्रा कम्प्लीट नहीं मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं अंदर और वहाँ पे जाकर के आपको दिखाते हैं इसका कैसा मंदिर है, कैसा स्तूप बना हुआ है अंदर में। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप। सारनाथ थाई टेंपल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की आपको स्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी अट्रैक्ट करेगी। सारनाथ थाई टेंपल के अंदर जब आप आते हैं, दर्शन कर लेते हैं, तो आप जब इसके बाहर में निकलते हैं तो इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगी। आप जो देख रहे होंगे मेरे पीछे जितने भी तरीके के स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं ये काफ़ी अट्रैक्ट करेगी। और आई थिंक जो कि जो ये मंदिर है ये काफ़ी पुरानी है और बहुत सालों पुरानी है। और अगर मैं बात करूं जो कि नियर बाई में, तो नियर बाई में आपको यहाँ पे पार्क वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पार्क वगैरह भी है। और इस पूरे थाई टेंपल के अंदर आपको बुद्ध की बहुत सारी स्टैचू देखने के लिए मिल जाती है, लाइक लाफिंग बुद्धा, छोटे छोटे अशोक चक्र बनाए हुए हैं,
जो कि आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। इसके जस्ट बगल में 80 फीट जाइंट बुद्धा है, जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे भी आप कुछ अच्छा घूमने के लिए है घूम सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आप सारनाथ कंप्लीट घूम कैसे सकते हैं। तो सारनाथ के लिए आप जब भी बनारस आते हैं तो बनारस में आपको प्रॉपर एक दिन का समय जो है वो लगने वाला है पूरा, तब जा कर के आप सारनाथ घूम सकते हैं। अगर वाराणसी से जब आप सारनाथ आते हैं तो आपको ऑटो की जो चार्जेस है वो कम से कम वो 400 से 500 रुपए मांगेंगे, लेकिन ये आपके बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, जो आप कैसे बार्गेनिंग करते हैं और कितना में वो लोग को लेकर के चले आते हैं। और जब भी आप बनारस आएँ और सारनाथ प्लान करें आने का, तो आप होटल्स वगैरह जो है वो बनारस में ही लें। बनारस में अभी काफ़ी भीड़ चल रही है और होटल्स जो रेट जो है अभी जो होटल्स के रेट हैं वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि यही सीज़न होता है जहाँ पे लोग बनारस में विज़िट करते हैं। गर्मी में तो गर्मी यहाँ काफ़ी पड़ती है, तो लोग यहाँ पे गर्मी के टाइम में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है तो उसके बाद जो है लोग बनारस विज़िट करना शुरू कर देते हैं। अभी ये पीक सीज़न है, हाई टाइम है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वीकेंड में भी आ रहे हैं, तो आप वीकेंड में आने से बचें और नॉर्मल डे में आप आएंगे तो आपको होटल्स भी थोड़ी सस्ते मिल जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ सारनाथ के अंदर आपको घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। तो आप अपना डे स्टार्ट करें सारनाथ टेम्पल से। सारनाथ टेम्पल के बाद आप बगल में अस्तूपा देख लें, अस्तूपा के बाद आप सारनाथ म्यूज़ियम चले जाएँ। सारनाथ म्यूज़ियम के बाद आप दो तीन मोनेस्ट्री है, जैसे थाई टेम्पल हो गया, दो तीन और मोनेस्ट्री है जहाँ पे आप चले जाएँ, सारंगनाथ महादेव मंदिर चले जाएँ, और उसके बाद आप अपने डे को रैप अप कर सकते हैं और शाम में आप अपने होटल्स चले जा सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए पाथफाइंडर अनिल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।